आनाम कलय नमस्कार मैडम। आप कितना तकलीफ में दे We could start our program inaugural address. Now I would like to request respected Sir FPO Adult Education Tomar Nyodu to please give welcoming remark. Welcome, sir. Thank you for giving me this opportunity. Most respected Deputy Commissioner Leparada, Srimati Mamata Ribaji, most respected our Circle Officer Dr. Hage Antoji, most respected our DDSC Leparada Pugun Ambassador Ji, my BOs, Nyami Sir, Lombe Sir, my DAO Modun Sir, all the CRCs of four circles, okay, Naru Anabo, Hiloga, Tinahoga, Donyalog Agbe, आलगने कस्तोजाब आलगने दोनों दोनों पर आलगने नन्हे बुप्पे मो एक जान दागना वेलकम दागना थैंक यू वेरी मच। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अवर लर्नर डिप्टी कमिश्नर मैम टू गार्लैंड द पोर्ट्रेट ऑफ लेट मिनोटी रिबा वाइफ ऑफ लेट टोमू रिबा हु हैज इन हुज नेम ऑल दिस टेलिंग व्हिच आई विल बी टेलिंग यू लेटर। Madam, kindly garland the portrait of Lead Minati Ribha. Further, it is a time for distribution of teaching learning materials to learners. In the name of courtesy, Minati Ribha Foundation. So it is my honor to invite Our Excellency Ma'am Deputy Commissioner Mamata Ribha to give presentation of teaching learning materials to learner BRCC CRCC of Basar Circle. Basar Circle hokam CRC lego sanam ani nom gokcha duno ayala hoka munuk teaching and learning materials sem receive jila ka. Don clearly tajin to ka hiloga him organize ok un aman presentation kitabyo ok bohiyo jiname ge unuka Minati Ribha Foundation taraf log jidu na ka him mang government te ri ma ka ke completely Minati Ribha Foundation he sponsor du na ka okay next thank you sir ok takam unu hilonunam student emre dei next ba तिरबिन गोक सीआरसी सानु अनिगात का अगे नुके रेस्पेक्टेड डीडीएससी सार गलो अनिगो हेगेम रिसीव तो का तो थैंक यू सर डीडीएससी सर बीओ सर एंड सीआरसी सर ओके स्टूडेंट का दे थैंक यू। नेक्स्ट इजा सागो सर्कुल के गुनुक मेगा ही नाम डीपीसी सर नू नरियम सुनिए काइंडली आप सभी को बता रहा है ये Minati Ribha फाउंडेशन का तरफ से है सागो सर्कल थैंक यू सागो से आप लोग लर्नर्स आए हैं मोकाने मोक नतलो नू नरो एम थैंक यू। जितना लर्नर्स है लेपराता का सबको मिलेगा ध्यान रखिए जब वर्कशॉप होगा डाइस में आपका अनमिनोती रिबा का ओकुर दोनी तोमू रिबा भी है उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आइटम्स हम गो उनो के माज रिस्पेक्ट नाम उनो के न्यामी जोदू सर बियो आयाला सर नवादला दारिंग सर कुलगम अन्य गो हेगम ने
presentation item mem jit laka ngor request do ngeka abir karjum crc ok no representative wagla anyi goi gemne sarga lok receive jit laka हि लोग कंप्लीट एडुकेशन के स्टूडेंट हम किताब और नाम हैगे गवर्नमेंट स्पॉन्सर काम आके हैगे कंप्लीटली मिनोती रिवा फाउंडेशन ने मुन नम स्पॉन्सर दो नाला एजुकेशन में एम्फेसिस इसलिए दिया जाता है कि होता बस्ती में आप स्कूल में बच्चे को भेजते हैं स्कूल जाते हैं गवर्नमेंट इज प्रोवाइडेड स्कूल्स आजकल एमडीएम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल फ्रीली मिलता है आप लोग सभी को बच्चे लोग को इवन यूनिफॉर्म भी मिलता है तो इन द केस क्या होता है जब माँ पिताजी अनपढ़ होता है घर में जब इमिक का सामने आग जला के बैठता है तो बच्चा किताब निकाल के ड्राइंग कर रहा है कुछ कर रहा है माँ पिताजी तो मालूम है नहीं ए बी सी डी तो उन लोग बच्चा पढ़ रहे नहीं क्या कर रहे दे आर नॉट बीइंग एबल टू मॉनिटर कि ये जो कार्यक्रम है एजुकेशन फॉर ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उल्लास का अंदर में तो इसमें उन्होंने एक एम्फेसिस दिया है नरेंद्र मोदी जी आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अंडर हिज लीडरशिप एक फ्लैगशिप प्रोग्राम दिया है कि एजुकेशन फॉर ऑल यानी कि हर एक घर में एवरीवन शुड बी लिटरेट एंड एम्फेसिस इज गिवन ऑन डिजिटल लिटरेसी तो डिजिटल लिटरेसी का अनगत है अमुक आप दून दून अन्य न्याम गाते आप लोग मालूम है कि हर एक दिन आपको बैंक में जाना पड़ता है ट्रांजेक्शन के लिए तो मैं तो हमेशा देखता हूँ कि बैंक को छोड़ दीजिए एटीएम में कोई एक अन्य कम खराब होता है साथ में कोई अच्छा वो जवान लड़का खड़ा होता है एटीएम को देता है वो करके निकाल देता है होता कि नहीं होता आप लोग बोलिए मैंने बहुत बार देखा बैंक में जाता है कोई अच्छा वो जाता है साथ में दो लड़का खड़ा करता है तो उद्देश्य ये है कि एटलीस्ट बैंकिंग जो है आपका अपना आधार कार्ड दिया हुआ है आप अगर आधार कार्ड आपका हर एक के पास में आधार कार्ड है लेकिन आई एम वेरी श्योर बस्ती में बहुत सारे लोग अनर लोग वो लोग आधार कार्ड में अपना नाम भी पढ़ने नहीं जानता है तो ये लकुन को रिमूव करने के लिए ये एडल्ट एजुकेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया है तो मेन आप लोग से प्रार्थना है आप लोग से विनती है कि आप लोग क्लास अटेंड कीजिए जहाँ जहाँ लर्निंग देर 62 लर्निंग सेंटर्स लेपराधा में और कहीं में जहाँ में स्कूल नहीं है देर को हम लोग आइडेंटिफाई करके लर्निंग सेंटर बनाए हैं कोशिश कीजिए कि आप लोग वहाँ आने के लिए आने का जो फोटो आप लोग देख रहा है ये किस लिए टांगा है देर इज अ रीज़न बिहाइंड इट ये नहीं कि मम्मी जो डीसी मैडम का डीओ सर का माँ है अपना मन मर्जी फोटो डाल दे ऐसे बिल्कुल नहीं है तो मैं इसमें थोड़ा कुछ आप लोग को टिप्पणी करना चाहूँगा ज्ञान देना चाहूँगा तो अभी जो है लेटेस्ट मॉडल जो है जो दिल्ली से दिया है उसमें डिजिटल एजुकेशन के लिए बात किया है मोबाइल में पढ़ाना है मोबाइल में रजिस्टर करना है मोबाइल में जो आपको बैंकिंग का वगैरह वगैरह ए बी सी डी सीखना तो जब ये फर्स्ट एन आई पी लॉन्च किया था लास्ट ईयर जितना भी सारा ऑफिसर्स है डी डी एस एस तुम तो लोलेन सर डी डी सी था अनदर ग्रेट पर्सन हम एज अ डिस्ट्रिक्ट एडल्ट एजुकेशन ऑफिसर और सारे जितने 26 डी ए यू एस है हम लोग ने प्रोटेस्ट किया ईटानगर में हम लोग बोले सर हम लोग का बस्ती जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जिम है अंगोक एरिया का दारे में भी नेट छोड़ दीजिए मोबाइल ही कभी नहीं आता जिरदो में नहीं आता अब तिरबिन सर्कल में बहुत सारा गांव है जहां नेटवर्क नहीं है अभी इतना जल्दी आने का भी कोई उम्मीद नहीं है अभी सिवे शुरू में आप पकड़ लीजिए दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल इन अरुणाचल प्रदेश सो वी रिक्वेस्टेड आवर अथॉरिटीज एंड दे उन्होंने दिल्ली में ये फेनोमेनन जो है सिर्फ अरुणाचल में नहीं है नागालैंड में है हिली एरियाज जितना है बहुत सारा स्टेट्स में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉम्प्रोमाइज बोलो या सॉल्यूशन निकाल दे उन लोगों ने कहा कि एक हाइब्रिड मोड में यानी कि आप जहाँ में मोबाइल है मोबाइल से पढ़ाएगा और जहाँ नहीं है वही किताब से पढ़ाएगा तो बोल तो दिया अभी फ्लैगशिप प्रोग्राम है करना है तो हमें वही किताब आप लोग को देने के लिए हम लोग का पास में फंड नहीं है मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जिसी को भी कभी दिन आ जाए ऑफिस में आके दर्जा खोला है आरटीआई मारना है मारिए देख लीजिए कि फ़ंड देता है कि नहीं देता है बट हैविंग सेड दैट एक चैलेंज आया
बिकॉज आप लोग का चाहिदा दून है आओ, कितना हार्ड वर्किंग है, कितना मेहनत है आप सबों को पता है, इसलिए आज अंजाम लोग भर भर के आया। तो सी इज़ फ्रॉम लेपरादा, हमारा DDC सर पुविलंबी सर ही इज़ फ्रॉम लेपरादा, ऑल ऑफ अस द ऑफिसर्स यू सी इन द डाइस एक्सेप्ट मेरा भाई वी आर फ्रॉम लेपरादा। तो अब अंजाम लोग का कॉम्प्लेन गोम बाजार में गोम काबा बुलझन गोम रोयर दो मने आह तो न्योल नो क्लास है, लेकिन लोग मूल लेम गो जीतो यो गो जीतो क्या क्या बोलते हैं, हम तो अभी क्या करेगा, चिंता भी लग रहा है, प्रोग्राम को आगे ले जाना है, फंड्स नहीं होने का वजह से क्लास नहीं हो पा रहा है। आप लोग को मैं बार बार बिना पढ़े एग्जाम्स देना मैं बिल्कुल ही नहीं चाहूँगा, जो चीज़ गलत है जो चीज़ अब तो वो आने मिनती जो सिखा है हम लोगों को, जो गलत चीज़ को हम नहीं करेंगे बोल के वी हैव डिसाइडेड। देन वी हैड अ मीटिंग ऑन 7th of August DLM में, चेयरपर्सन हमारे DC मैडम है, मेंबर सेक्रेटरी DDC सर है। 7 अगस्त को हम लोगों ने एक लंबा मीटिंग किया कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, लर्नर्स लोग को किताब देना, टीचर्स लोग जो है जो पढ़ाएंगे आपको पढ़ाने के लिए आप ब्लैक बोर्ड छोड़ दीजिए, एक चौक भी नहीं दे रहा है गवर्नमेंट की ओर से। फिर भी हमने सोचा कि लेट्स थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ नया सोचता है, कॉम्प्लेन करके रो के फायदा नहीं है बोल के इट वॉज डिसाइडेड दैट हम लोग फर्स्ट जो किताब जो है नोटबुक्स वगैरह पेंसिल वगैरह जो है विल आउटसोर्स इट फ्रॉम CSR बोल के होता है एक कॉरपोरेट सेक्टर से जो डोनेशन देता है या कोई NGO से। तो हमने बहुत सारा आदमी को अप्रोच किया, बहुत दुख से कहता हूँ कि देगा देगा बोल के इट नेवर मेटरलाइज। सो अल्टीमेटली वी डिसाइडेड, देन मैंने रूल बुक में पढ़ा, मेरे पास में NLP का गाइडलाइंस है, मैं दिखा दे सकता हूँ, देखा कि वहाँ एक क्लॉज है TLM जो है वही किताब वगैरह कुछ भी सारा चीज़ जो उल्लास प्रोग्राम में कोई NGO से भी दे सकता है। तो मैंने ये चीज़ का जिगर किया मेरा बहन और लर्नर DC मैडम को, मैंने कहा कि अब रुक तो नहीं सकता है, तो TLM का जो ऐसा करने से कैसे होगा, हमारे माता से आप लोग का नाता है, आप लोग का जानता है ना अनमिनोती रिवा, उनका नाम में एक फाउंडेशन है तो जो आपका नेक काम इरादा रखने के लिए बनाया गया था उसका आई गिव द क्रेडिट टू माई ट्विन सिस्टर ममता साहब ब्रेन वेव, तो मिनोती रिवा फाउंडेशन का नाम में करने से कैसे होगा। सो बोथ ऑफ अस वी एग्रीड सिंस इट इज़ इन द गाइडलाइंस, गाइडलाइन का अंदर में है विदाउट ब्रेकिंग द रूल्स। तो ये जो सारा जितना यहाँ में आल रीड आउट द कॉम्पोनेंट्स, हमने थोड़ा सिस्टम को सिस्टम में लाने के लिए प्रॉपर एडमिशन कराएंगे लर्नर्स को, अटेंडेंस होगा जैसे स्कूल में आमतौर पर होता है। तो हमने वी हैव अराउंड 856 लर्नर्स रजिस्टर्ड लर्नर्स, तो उस हिसाब से हम लोग अराउंड 900 लर्नर्स के लिए बाय चांस एक्स्ट्रा होगा बोल के हम लोगों ने एडमिशन रजिस्टर्ड लिया 62 सेंटर्स के लिए। 62 सेंटर्स के लिए आपका ये अटेंडेंस रजिस्टर, फिर आपका 62 सेंटर्स के लिए टीचर्स के लिए पेन लिया, रेड पेन ब्लू पेन, उसका बाद मार्कर जो आप वाइट बोर्ड में लिखने के लिए, आजकल तो ब्लैक बोर्ड यूज़ नहीं होता है, फिर डस्ट करेक्शन फ्लोर 62 सेंटर्स के लिए, फिर चॉक पेंसिल भी लिया है 30 पैकेट्स वाइट 20 पैकेट्स ब्लैक, फिर हमने 900 नोटबुक लिया, एक का 50 रुपये है बाय द वे एक नोटबुक का जान लीजिए, तो 900 कितना होगा, तो और पेंसिल 900, पेंसिल कटर 900 और आपका इरेजर 900, तो अमाउंट जो आता है आपका टोटल जो आ रहा है आपका 900 का करके 79,650 का, एक बार ताली बजा दीजिए मिनोरिटी रिवा फाउंडेशन के लिए। एक PLM को फाउंडेशन का ओर से हम लोग एक फैमिली का बिहाव में, क्योंकि भाई बहन लोग बहुत बाहर में हैं तो ऑन बी सिंस वी आर एल्डर्स, तो हम लोग ने डिसीजन लिया। तो फिर मेरा मन में एक सोच आया कि आप लोग सभी बहुत जगह से रिक्वेस्ट आया है, फ़ोन आ रहा है, ममता ने आओ ममता ने
किसी मैडम ने मिलने दिल था बोल के, तो शी इज़ वेरी बिजी विद ऑफिस वर्क एंड कल बताएंगे वो आपको, कल शायद उनका हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर है और मैं कल जा रहा है। तो मैंने सोचा कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप लोग स्पेशली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है पोनू पार्टी अंजाम में सबको, तो मैं आपको बता ही दिया कि वी डोंट हैव फंड्स। अगर मेरा पास फंड होता तो मैं पूरा बासर को ही बुलाता, फिर गाड़ी लेना है, लंच प्रोवाइड करना है, देर आर मेनी इश्यूज। सो बट आई एम सो हैप्पी कि आप लोग इतने ज़्यादा नंबर्स में आए। तो ये सोचा है कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है अभी मिनोती रिबा फाउंडेशन का ओर से जो डोनेशन दे रहा है उसको, आई थॉट देर इज नो वन मोर अप्रोप्रिएट एंड परफेक्ट देन ममता रिबा मैडम टू डिस्ट्रीब्यूट, तो इसलिए आज ये दिन को डेट भी उन्होंने चूज किया। Moka kita sar e specially DAO sar ne ngomas thanks to okay. First posting da ko ok samoyo go sometime ngo yat go strong talachin depression se samay go adui katom chin lama do nyen katom lama do yom bedu manik dok asna pugla chin ganek banik kadu ka ana bom chin ja ganek banik ana bom chin jab ji kem madu ok yom chin min ji kem manam ganek banik chin kadu ko i अक समय लो सर ग माज मोटिवेट तो इंग मुक बीस बीस लो बुम आगम जाबला ओके इवन मुक वाइफ ही मैडम चिन दु दुई मैडम आयो चिन बु चिन फ्रेंडली ओक साथ लो माज फ्रेंडली दुई कुल के मुम चिंग आगम जाब दो ना अम ओक समय लो माज मोटिवेट तो अम्ब अम्ब हर गाइडलाइन गोदा लखें लखें बो योम रुकुदु मेनतोम दें चिंग काम यम चिन तकास काम क्योंकि वो का नब्बो फार्मर ही रुक रुक नाम रुदु अमरुन में यम चिन मेन ये दिन वो मेनतोम देने लेकिन लेकिन अम्ब चिन रुन में सिचुएशन आता ही रुदा कम ओक समय लो कितब वो अच्छा उत्तिक समय लो हम कुछ मत गाइड तो ही बेटी ऐसा करता है अम्ब रुद ना कर हर चीज मुंग वो मेनतोम तो ही अक्लाब हमेशा वो दा थैंकफुल ही कितने ओक आयु बुन्नम नरुंग वो मच थैंकफुल दो ही अंगद नंगो अक वोयम बनु नम पोरि गिरि रब गबे दे ई ओकन गद्द चिंदु दु ओ पोरि गन मान गद्द दु दु बन यर्च दि वोयो लगा पोरि रब गबे एमरम अ पोरिमानंग पोरिमारम ई मच कोस्टो दु कोस्टों का दु इवन ओमे लचिन ओते लचिन कोस्टों ओ कापा तो ई जसे ओ बाय स्कूल अनि न गो दु दु ई नम बोल ओ कान मे अना पो आ दु ई ओ अना बा दु अ पैसा यो रिसीव मदक लो बुन मेंदो मैडम नो ही साइन तो के अरे वो बुनु साइन नो यो मोको दो को भाई मोके नहीं मार तुम मनी रिसीप लोगो एक इतना योम बंगो साइन पद बबुल कम बुने ही साइन पे लाइक दुई ओक ओक को कुबा कुदा ओक जैसे एलकेजी यूकेजी ओमे हम पोरी का नाम लगा बे बुल कोस्टो दुई अगर अगर गाल दो लांगो बुन ना मेला नून ना याद को कादो पोरी दे नहीं नुन पोरी देन कादुरम नुन एक ग्रुप को मत कांगो फ्री ऑफ कॉस्ट गो पराई लप कई गो हेक लोक ओमेगा द ग्रेस द समय लोगो एकदम गो फ्री दो नाई फ्री दो ना नुन नुन याद लो रिल रिल पर मत दिंगो रिग लप गो एम नम ओक को गबंग ओक जर्नी स्टार्ट तो ई नुन नम पोरी गन मान गा दम पोरी गन म एम नम बुन नंगो ए बी सी डी लोक रिरब गला इजा द पक्का दु को बुन नाई गो ये गो लो इम्ब दु को दे इम्ब दु ओक बुनु पार्टी इजा आराम रीडिंग योम चिन रिलैक दु को वी आर स्टार्ट फ्रॉम ए बी सी डी अल्फाबेट लोक तंग रिरब ग तो एम नम इज बुन आराम इवन गोम चिन गोम चिन लेकिन लेकिन ब एस एम एस दु को ई मेदांग गो हिलो चाला ब मा एम ब यो मेसेज मेसेज दु को ई तो अगम गो मुनुक मेसेज अंग कारंग गो माज म केंदो नाई म किनम मेंगाम लमाई बुनुक एम्बरिन मन कारम ना एंगोक रिवार्ड दे नुनुक मेसेज गोम एरि कुना मगे ngok reward ko i agami ngo maj makin ba madu aji jam mes du anaw ka di nun ji literacy mission la government te mera lok ke ji 2 tarikh lok ke 1 tarikh lok 8 tarikh lok government of india all over india ji gri du ei ho ga sa lo ngul district ji ri ta ngur du एवरे में नुनु मैंने लारना रे दू रे नुनु अच्छी गोलती का कुमाई लेके को परिपोता में जा आना बो ध्यान जी कुमा नुनु का निजीर था को ओमे था को अन्ना का दे नुनु परिमोला जू होला जू मेरा का कुमा तू ए नुनु गोलती का कुमा ए गोलती है सिस्टम तयंग गोलती है को अन्ना वो गोलती है कोई अन्ना वो नुम ची मताय में चिन्ह लेके को गई रिकनम रिया मोला मैका आओ एम या में चिन्ह स्कूली मुता निजीरा में वो इमोरा कुना
जितना बासर आमने सामने का है वो ये मेरा दिए वो मैनेज करके लेके आए हैं। तो सबसे पहले भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आज के इस बहुत ही शुभ दिन में हम जब लेपारादा ज़िला में आपका एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम वीक का शुरुआत कर रहे हैं, एक तरह से आप लोग अपने लेवल में ऑलरेडी शायद काम कर चुके हैं, लेकिन फॉर्मली यहाँ इस मंच के द्वारा हम जब यहाँ एक साथ एक उल्लास भरा दिन में एक साथ मिलकर साक्षरता को आगे ले जाने के लिए जो हम यहाँ बैठे हैं, मन लगाकर, तन लगाकर, धन लगाकर यहाँ जो बैठे हैं, तो भगवान को हम सभी की तरफ से प्रार्थना कि भगवान हम सभी को आशीर्वाद दे कि जिस मिशन पर हम निकले हैं उस मिशन में हम कामयाब रहे, हमारा जो झंडा साक्षरता का है वो ऊंचा रहे। इस प्रार्थना के साथ, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम लोग इस मैंडेट को हम लोग फुलफिल करें कि हमारे जो अनाबोगद्दे है, जो अच्छा वो लोग हैं जिसको पढ़ना लिखना उतना नहीं आता है कि बैंक में जाकर अपना पैसा खुद निकालो, अपना पैसा का हिसाब खुद रखो, क्योंकि आजकल क्या होता है जवान बच्चा लोग को देने से कभी कभी आधा पैसा कभी कभी वो लोग ले लेता है तो पता भी नहीं चलता है। मतलब ऐसा हुआ है, हम जब दोनों जाता है हमको पूछता है मोनी है कितना मिलता है ना इसमें, हमको तो इतना ही मिला, तो हम हंसता है ये तो नोक डीबीटी है ना, नोक को तो वो तो कैश में नहीं मिल रहा है, नोक अकाउंट में जा रहा है, तो नोक तो ज़्यादा मिलना चाहिए, उसका मतलब कम मिला है, माने तो उसको निकाल देने वाला का तो कुछ हाथ होगा उसमें। तो इस तरीका सा कभी कभी होता है, माने ना रोज नहीं, किसी किसी के साथ कभी कभी होता है। तो इस तरीका का प्रॉब्लम से निकलने के लिए, अपना जो काम खुद कर सकने के लिए उतना काबिल बना दो, ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सपना।
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का हम लोग को आदेश, ऑनरेबल शिक्षा मंत्री का हम लोग को निर्देशन, तो इसमें शिक्षा विभाग का ये काम और एज यू नो डिस्ट्रिक्ट एडल्ट एजुकेशन ऑफिसर उनका मैंडेट। तो ये जब हमने करने किया तो देखा कि TLM आप लोग का जो रीडिंग मटेरियल भी नहीं अभी तक पहुंचा है, तो इस तरीके से तो कैसे होगा। तो उन्होंने क्या किया, गया था मीटिंग के लिए, आके मुझे बता दिया कि हम खरीद के लेके आ गया, अभी इसको यू नो साक्षरता वीक में हम बांटेगा। तो तब अनमिनोती रिबा फाउंडेशन का तरफ से बात में से ठीक है ये बात, ये भी उनका ही दिल से निकला हुआ एक सोच। तो फिर अनमिनोती रिबा का बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलेगा, एक ही लाइन, आज आप लोग देखा है हम लोग को गामुसा से हम लोग को आदर दिया है, क्योंकि निपा कान्या बोलकर भी हम जानता था मिनोती रिबा। बक फैमिली एक बहुत ही एजुकेटेड फैमिली, उनके पिता जो थे वो एजुकेशनिस्ट थे अपने जगह में, गोलाघाट बोलता है उसको, आप लोग आसाम पे मतलब जानता है कि नहीं जानता है, जगन्नाथ बोरा उनका नाम था। आज भी उनके मेमोरी में उनका गांव आदमी लोग एक मल्टीपर्पज़ कॉम्प्लेक्स बना के रखा है, मतलब इतने जाने माने एजुकेशनिस्ट थे वो। तो उनसे ही शिक्षा ग्रहण करके आने यहाँ में आबू का साथ अरुणाचल के यू नो रास्तों में चलना शुरू किया, यहाँ के प्रगति के पथ पर चलना शुरू किया, अपना योगदान देना शुरू किया। मोपिन पहले कभी घर घर में होता था, उस वक्त में आने आबो लोग और बाकी मक्ते दांगो लोग सब दांगो जिनी और यू नो तुम्पा कहते सर सब लोग मिल के उन लोगों ने उस समय जो कॉमन मोपिन मनाने का जो ये है जो हम लोग का आज रिवाज है उस वक्त में उन्होंने शुरू किया, गांव गांव में नहीं कॉमन मोपिन ना एक साथ मनाएंगे, तो ये आज का दिन में एक प्रथा है। तो वो सभी को मैं नमन करती हूँ, उन्होंने बहुत योगदान दिया। लेकिन अनेकों एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर एक महिला समाज के लिए वो क्या करते थे, बहुत कुछ करते थे। यहाँ से वो हम लोग का अन्यामय पार्टी को ले जाके असम में असम हाइत्य होबा बोलता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है असम लिटरेरी सोसाइटी, बहुत उन लोग पढ़ने लिखने वाला है, वहाँ में उन लोग अन्यामय लोग जाके हम लोग फोनू करता था, फिर असम लिटरेरी सोसाइटी यहाँ आके उन लोग बिहू करता था। तो जो महात्मा गांधी का जो एक यू नो कोट है कि लेट द कल्चर कि मैंने आपका मन का खिड़की को खुला रखो और दुनिया के सभी संस्कृति को आपके अंदर आने दो और आपका संस्कृति को भी बाहर जाने दो, तभी आपका मन भरा होगा, दूसरों से अच्छा सीखेगा, अपना अच्छा ही दूसरा को बताएगा। आज GRK जो कर रहा है हम लोग दूसरों को बताते हैं, दुनिया भर से देखने आता है। अगर हम लोग इसी में अपना लपरादा जिले में ही बंद करके रखता, कोई अगर GRK का बात नहीं करता तो क्या वो प्रसिद्धि मिलती, क्या वो पहचान मिलता। लेकिन वो इसीलिए है क्योंकि मन का खिड़की को हम लोगों ने खुला कर दिया, बाहर से भी सीखा और हमने बाहर को भी सिखाया। उसी तरीका से वो प्रयास में आने ने बहुत काम किया कल्चर में, भगवान को धन्यवाद कि हमें ऐसे यू नो माता पिता के घर हमें जन्मा कि हमने हमको कुछ सीखने का मौका मिला। लेकिन ये बोलते हुए आज के इस जो बहुत ही पवित्र अवसर के ऊपर थोड़ा सा आते हैं, इस पर इतना ही बोलना जरूरी है, प्रोग्राम जैसा है उल्लास भरा, खुशी माने ना, तो वो उल्लास ही हमारा सिग्नेचर होना चाहिए मन में, द सिग्नेचर ट्यून मन में वही होना कि हमको उल्लास से जीना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये किताब को खोलना पड़ेगा, फिर किसी का बेटा बेटी लोग का सहयोग से, जो जानता है तो सो जानता है उससे आगे, फिर फ़ोन में भी मान लीजिए आप लोग को कुछ बिक्री करना है, नुनू का पास कुछ तादोक है, नो बिक्री करना चाहता है, सोचता है कि हम ये तादोक को बिक्री करके मेरा वो घर को थोड़ा बना लेगा, तो किसको बोलेगा, दूसरा को भी ज़्यादा नहीं बोल सकता है, घर घर भी कितना जाएगा ये उम्र में, व्हाट्सएप में नो बना देगा, अई नो अपना एक पेज खुल लिया, तादोक लोग को दिखाया, सब कुछ किया, उसका बाद हो ही ग्रुप लो तादोक पादू ना कह तादोक ही तादोक इतना दाम ही तादोक इतना दाम खत्म। आदमी बुरी लोग अपना बीच में बिजनेस करते रहो, ऐ सेम सब्जी ऐ ओलाप वगैरह, कोई ठीक है तादोक नहीं बेचना चाहता है, आज हम जंगल गया ओइक लेके आया ओला ओन्योर लेके आया, व्हाट्सएप ग्रुप में अपना दोलू में कर दिया, मेरा यहाँ में थोड़ा सा ओन्योर किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप में कर लिया, कितना आसान, घर में आके ले गया, नो किसी को बोलने का ही जरूरत नहीं, दुकान में रख देने का ही जरूरत नहीं। ऐ ये तो छोटा एग्जाम्पल, गाले नो यहाँ में चुम कर रहा है, यहाँ में
डाल दिया, या मैं भी अनपढ़ है, अभी मान लीजिए अभी पागरिक मैम का स्कूल में जाके पढ़ लिया, तो मेन जो है आप लोग को डिजिटल लिटरेसी चाहिए, बैंक से पैसा निकालना, अपना से पैसा का बारे में सोचना और करना। तो इसके लिए आप लोग अच्छा वो लोग भी जो आया है, आप लोग भी, आप लोग का कुछ होता होगा, आप लोग मूरा बनाता होगा, बा खेती भी कुछ करता होगा, हिजा चिन गो तादुना कोपक बगाने याका कादू कोपक रना में ये चिन कामा ऐ दाम चिन पामा दू अग लगावा अरे कोई देना पड़ता है। लेकिन कोपक को अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देगा, दुकानी लोग आ जाएगा तो आपका वहाँ में, ये जो आज का दुनिया में ये बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आप लोग नारुम कुमरिक दू आप लोग अच्छा से जल्दी जल्दी एक सप्ताह में जितना सकता है सीखिए। 8 तारीख का आप लोग का लिटरेसी डे है, उसके बाद में भी आप लोग आगे जितना भी वर्कशॉप्स है आप लोग दोनों दोनों लोग मिलना अपना आजन का दम अपना यू नो किन्ने लोग जो नहीं जाता है जो भी है उन लोग को बोल के दोनों एकदम जी जान लगा के फुर्ती से ही फुर्ती से एकदम रंगाम होके इसमें आप लोग भाग लीजिए। इसी का साथ हम आप लोगों को और एक आज जो हम लोग एनजीओ का तरफ से किया है मिनोती रिबा फाउंडेशन के लिए, उसको एज अ डिप्टी कमिश्नर वो मिनोती रिबा फाउंडेशन का मेंबर्स लोगों को कुमरिक दुना कि नुनु इतना बड़ा सोच लेके हम लोग के यहाँ डिप्टी कमिश्नर को मदद किया है, डीडीएससी को मदद किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानते हैं नतय है एक्चुअली नतय मोपिका तो रिबा नुनुम धन्यवाद कि आप लोगों ने इस सोच को सोचा, इसको देखा कि हम लोग करना है, अभी किसको रुकते रहेगा, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।